ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, विजिट करें www.bachpanplayschool.com। कल दिनांक 3/4/2021 को बिहार शरीफ में एक नए रोटरी क्लब रोटरी तथागत का अभ्युदय हुआ। इस क्लब में शहर के जाने माने चिकित्सक, इंजीनियर एवं व्यवसायी सहित 48 सदस्यों ने इसकी सदस्यता हासिल की। समारोह का उद्घाटन करने पहुंचे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 के मंडला अध्यक्ष रोटेरियन रंजन गोगोत्रा धनबाद से चलकर बिहार शरीफ पहुंचे। पूरे धूमधाम के साथ शहर के प्रवेश द्वार कारगिल चौक पर इनका स्वागत रोटरी सदस्यों ने जोरदार ढंग से किया। जिला अतिथि गृह में पहुंचने के बाद ये शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जीवन ज्योति में क्लब के सदस्यों के साथ जाकर जीवन ज्योति ब्लड बैंक प्लाज्मा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ में इनकी पत्नी अंजू गंगोत्रा भी उपस्थित थी। फिर वहां से भैंसासू स्थित रोटरी सहेली सेंटर गए, वहां सेंटर का निरीक्षण किया। तत्पश्चात मुरारा स्थित रोटरी स्मृति उद्यान में पेड़ लगाकर चार्टर डे को मनाया। मुख्य कार्यक्रम संध्या 7 बजे से एरावत पैलेस में धूमधाम से मनाया गया। शहर के हर तबके के गणमान्य लोग इस भव्य समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडल अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वागत गान में रोटेरियन भावना वर्मा एवं रोटेरियन किरण ने गणेश वंदना कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। स्वागत भाषण रोटेरियन अशोक कुमार ने किया। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद ने रोटरी में क्यों रहे विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। प्रसिद्ध नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा ने 4वे टेस्ट के ऊपर अद्भुत प्रकाश डाला। इस अवसर पर संत जोसेफ स्कूल के विद्यार्थियों ने अद्भुत प्रस्तुति देकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। पटना से आए पारस हॉस्पिटल के निर्देशक पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर चिरंजीवी खंडेलवाल ने भी रोटरी के ऊपर प्रकाश डाला। आज हमारी एक नई शुरुआत है, शहर का एक नया क्लब आज से जन्म ले रहा है। इसका हम लोग चार्टर डे आज मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आए हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और हमारे एजी सर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट PDG भी आए हुए हैं और विभिन्न क्लब के सदस्य यहाँ भी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जो ये शहर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शहर में पहले से भी क्लब हैं लेकिन हमारा क्लब ये समाज सेवा के क्षेत्र में और आगे निरंतर काम करता रहेगा और समाज के विभिन्न क्षेत्र में हम अपने दायित्व का निर्वहन बढ़िया से करना चाहेंगे। इसीलिए आज एक नई शुरुआत हम लोग की है और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि जो भी क्लब के द्वारा शहर को उचित जो कार्यक्रम होगा उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा और शहर में जितने भी जरूरत की चीज़ें हैं सेवा भावना से हम लोग काम करेंगे।